हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर डीआरडीओ की साइट से जॉब वैकेंसी का वेट कर रहे थे या फिर आप अप्रेंटिसशिप का वेट कर रहे थे। तो आप सभी के लिए अपडेट यहाँ पर निकल के आ चुका है। डीआरडीओ ने हाल में ही एक यहाँ पर अप्रेंटिसशिप लेटर जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जारी किया है जो यहाँ पर ग्रेजुएट हैं या फिर आपने बीए बीटेक किया हुआ है या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं बीए बीएससी बीसीए या फिर बीबीए के या फिर आपने यहाँ पर कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है और साथ में आपका आईटीआई कंप्लीट है तो आप सभी इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर हो जाए और किस ऐसे आपको अप्लाई करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें आपकी रहने वाली। सी, ये आपका ऑफिशियल लेटर है जो आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपका गैस टर्बाइन रिसर्च की साइट से है आपका एंड डीआरडीओ ने यहाँ पर आपका रिलीज किया हुआ है। पोस्ट बॉक्स अगर आप नंबर देखते हो 9302 है आपका, राइट। तो यहाँ पर बेंगलुरु के लिए आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर निकल के आया है कि आपका बेंगलुरु के गैस टरबाइन की साइड से जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाली। उसके बाद अगर आप बात करते हो कि आपका यहाँ पर जो चीजें हैं लाइक आपके कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे या फिर क्या क्या चीजें आपकी रहने वाली, कितनी पोस्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट बात करते हैं आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में अगर आप देखोगे ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो आपका मैकेनिकल है, राइट। मैकेनिकल का पोस्ट है आपका, ठीक है। एरोनॉटिकल है यानी कि एरोस्पेस आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है आपका बीटेक या बीई तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस आपका, ठीक है। मटेरियल साइंस है आपका, सिविल इंजीनियरिंग। तो ये आपके नंबर ऑफ पोस्ट है। टोटल 75 नंबर ऑफ पोस्ट है जिनके लिए यहाँ पर बीए या फिर बीटेक वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज की बात करते हैं तो आपका 18 ईयर है आपका और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो 27 ईयर्स जो है आपका वो जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया। आपका जो पास आउट होना चाहिए आप यानी कि आपने कंप्लीट कर लिया हो उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीटेक या फिर बीई कंप्लीट नहीं करते। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपका बीकॉम है, ठीक है, या फिर आपने क्या किया है बीएससी किया है, बीए किया हुआ है, बीसीए किया है या फिर बीबीए किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बीकॉम में आपका पोस्ट है आपका 10, बीएससी में अगर हम बात करते हैं तो आपका 5 है। सेम इट इज अगर हम बीए में आ जाते हैं तो आपका 5 पोस्ट, बीसीए में अगर आपका है 5 एंड बीबीए में भी आपका यहाँ पर 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपका ग्रेजुएशन के लिए बीए बीएससी बीबीए बीएससी के लिए तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ आपका है 30। तो अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है डीआरडीओ की साइट से तो आप यहाँ पर इसके लिए फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए, अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 10। इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7। सेम इट इज अगर आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए हुए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपका है 3। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके डिप्लोमा के लिए है 20। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट जिन्हें अप्लाई करना है सो डेट वो फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, आईटीआई में अगर आप मशीनिस्ट ट्रेड से हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 3 मिलने वाला है। फिटर है तो आपके लिए 4 है। टनर में आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। इलेक्ट्रिशियन में सेम आपका 3। वेल्डर में आपका 2 है। स्टील मेटल वर्कर तो ये भी आपका 2 है। और उसके बाद आपका है कोपा के लिए। तो कोपा के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है आईटीआई में। 8 वैकेंसी आपका यहाँ पर निकल के आया है। एक चीज ध्यान रखिए, कोपा वाले स्टूडेंट्स जो है वो जरूर अप्लाई करें क्योंकि उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ जॉब को बहुत लिमिटेड निकलते हैं। बट डीआरडीओ के साइड से अगर आपको अप्रेंटिसशिप मिल रहा है तो मेक श्योर कि आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और अपना जो अप्रेंटिसशिप है उसे यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अगर अभी हाल में ही आपने देखा होगा तो ईसीआईएल की साइड से आपका वैकेंसी निकला हुआ था और उसमें सिर्फ और सिर्फ जिनके पास आईटीआई है साथ में अगर उन्होंने एनएसी यानी कि अप्रेंटिसशिप किया है तो ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि अप्रेंटिसशिप कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हो तो आपको क्या है कि पहले एडवांटेज मिलते हैं
कि हाँ ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है तो पहले अप्रेंटिसशिप वालों को लेंगे, आफ्टर डेट अदर कैंडिडेट्स को लेंगे। तो अगर आपको अच्छी जगह अप्रेंटिसशिप मिल रहा है तो मेक श्योर प्लीज आप उस अप्रेंटिसशिप या उस अपॉर्चुनिटी को गेन कीजिए और अपना अप्रेंटिसशिप जो है आपका उसे आप कंप्लीट कीजिए। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पर कि कितने आपके टोटल पोस्ट हैं जिसके लिए यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल आपका 150 पोस्ट है। अगर बात कर लेते हैं सभी के लिए, चाहे आप अगर ग्रेजुएशन हो, चाहे आपने बीटेक वगैरह कंप्लीट किया हो, चाहे आप नॉर्मल बीए बीएससी किए हुए हो, या फिर आपने डिप्लोमा या फिर आईटीआई किया हो, टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज हैं आपके 150। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है प्लीज आप अप्लाई कीजिए, सो दैट आप अपनी जो भी अप्रेंटिसशिप है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर सके। बात कर लेते हैं कुछ चीजों के लिए जो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हुए हैं। देखिए ये आपका ऑफिशियल है एंड पूरा फुल डिटेल्स आपका यहाँ पर पीडीएफ है, सो दैट अगर कुछ चीजें आप खुद से भी रीड करना चाहते हो तो आप इसके ऑफिशियल साइट से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। वैसे कोशिश है कि इस वीडियो में आपको सारी इन डेप्थ डिटेल जो है वो आपको मिल जाए, ताकि आपके कोई भी डाउट यहाँ पर ना रह जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को वहां पर लिख सकते हो। क्लियर है इतनी चीजें? तो चलिए इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए फर्स्ट है आपका, पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ये है, अदरवाइज आप इसके ऑफिशियल साइट से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आपका जो भी अप्रेंटिसशिप रहेगा वो आपका 12 मंथ यानी कि 1 ईयर के लिए आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रहेगा। थर्ड चीज, अगर आपने बीए बीई बीटेक डिप्लोमा बीकॉम बीएससी बीए बीसीए बीबीए अगर किया है तो आपको इस साइट से अप्लाई करना है, एनएटीएस से। और अगर आप आईटीआई कैंडिडेट है तो आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट ओआरजी की साइट से यहाँ पर क्या है अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो आपको पहले भी क्लियर होगा कि ग्रेजुएशन के लिए एनएटीएस की साइट से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है, एंड आईटीआई कैंडिडेट्स को हमेशा अप्रेंटिसशिप इंडिया की जो आपकी ऑफिशियल साइट है वहां से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कुछ चीजें हैं जैसे आपका कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो आपका ये आपका होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो पास आउट है आपका 2021, 2022 एंड 2023। इसके अलावा इससे पहले अगर आपने किया है तो मे बी शायद आप एलिजिबल नहीं होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप किस ईयर में पास आउट हो, लास्ट 3 ईयर्स आपसे मांगा गया है, तो आप अगर इसी लास्ट ईयर में पास आउट हो तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें हैं जैसे आपका आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आपने यहाँ पर आईटीआई एनसीवीटी से कंप्लीट किया या फिर एससीवीटी से कंप्लीट किया तो भी आप इस यहाँ पर इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है इतनी चीजें? जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टाइफेंड के लिए। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप सभी को पता है कि अगर ग्रेजुएशन है तो 9,000 पर मंथ, डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो 8,000 पर मंथ, एंड आईटीआई अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं मतलब आईटीआई के लिए करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है 7,000 पर मंथ। सी, काफी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अप्रेंटिसशिप से अच्छा है कि हम जॉब ज्वाइन कर लें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से ही डिसाइडेड होता है कि कितना भी स्टाइफेंड जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए आपका स्टाइफेंड कम हो सकता है, लेकिन जब आप एक बार एक अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हो तो जब भी आप किसी जॉब में जाते हो तो पहले वेटेज आपको मिलता है। इसलिए 1 साल के लिए आपको जितनी भी चीजें हैं वो अप्रेंटिसशिप में बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ये चांस आपको मिल रहा है, तो प्लीज उसे ग्रैब कीजिए, एंड कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स जो है वो आप यहाँ पर अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी आपका यहाँ पर क्या है 9,000 पर मंथ जो है वो भी आपको यहाँ पर पे किया जा रहा है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, इसमें आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, मेरिट के बेस पे आपका जो भी एग्जाम है वो आपका यहाँ पर कवर कराया जाएगा। अगर नीट रही तो आपका रिटन टेस्ट इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर कराया जा सकता है। वैसे ज्यादातर आपका मेरिट के बेस्ड पे जो भी आपका एग्जाम है वो यहाँ पर आपका होता है, रिटर्न और इंटरव्यू का जरूरत नहीं पड़ता उतना, तो मेरिट लिस्ट पे आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करोगे। तो देखिए नोटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, drdo.gov.in की साइट से आप जाइए, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको अप्लाई करना है तो सेम एनएटीएस
ग्रेजुएशन के लिए, डिप्लोमा के लिए, एंड आईटी स्टूडेंट्स के लिए अप्रेंटिसशिप का जो आपका साइड है ऑफिशियल, वहां से आपको अप्लाई करना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अगर आप रेगुलर अप्लाई करते रहे तो सो डेट आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है इतनी चीजें? सो बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में, लाइक जो भी ये बेसिकली आपका है कि डीवी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चीजें होती हैं। जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास वो सभी चीजें होनी चाहिए जिसके बिहा पर आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो जो भी चीजें होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपके, ठीक है, 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास जिससे आपने यहाँ पर अप्लाई किया, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चाहे आपका डिग्री है तो डिग्री कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, जनरल में बेसिकली नहीं लगता, ओबीसी है आपका, SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, फोटो आईडी होना चाहिए आपका यानी आधार कार्ड आपका, EWS सर्टिफिकेट अगर है तो आप लगा सकते हो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पुलिस वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये चीजें आपके पास इतनी मैंडेटरी हैं और ये आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं, रिजल्ट्स वगैरह, वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। वो सारी चीजें आपको वहां से ही चेक करनी होंगी। लास्ट बात कर लेते हैं आपके लास्ट डेट की। तो देखिए फॉर्म जो है वो 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 9 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और जो आपका यहाँ पर क्या है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट होगा वो आपको यहाँ पर क्या है, 23 अप्रैल को यहाँ पर आपको आपके ऑफिशियल साइट पर दिख जाएगा। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो डेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डेट मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीजें आपकी रहेंगी, कैसे आपको अप्लाई करना है। सो डेट यही सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है एंड आपका टेलीग्राम ग्रुप है टेक्नोलॉर का, तो आप वहां से जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जेन्युइन लगा हो, सो डेट आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक शेयर एंड चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नए अपडेशन के साथ में, नए जॉब अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।